नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉइन स्विच एप्लीकेशन के बारे में। जो आपका टेरा लूना कॉइन था उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, कॉल भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं कि क्या अदर एप्लीकेशन की तरह जो अदर एप्लीकेशन है जैसे बाइनेंस एप्लीकेशन है या आपका कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन है, बजीर एक्स एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन पर 27 मई यानी 27 मई से सभी को एयर ड्रॉप जो टेरा लूना कॉइन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। तो उसी की तरह क्या कॉइन स्विच पे हमें इस कॉइन का एयर ड्रॉप हमें प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस का आंसर हमने कस्टमर केयर से बात की है तो उसके रिगार्डिंग आप सभी को समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि किन लोगों को ये प्रोवाइड किया जाएगा। जिन लोगों ने 7 मई से पहले जिन लोगों के पास होल्डिंग थी और अभी करंटली उनके अकाउंट में होल्डिंग है तो उन लोगों को तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 27 यानी 27 मई से सभी को अनाउंस कर दिया गया है कि हम थोड़ा थोड़ा करके सभी को यहाँ पे 10%, 15%, 20% इस हिसाब से सभी को टेरा लूना जो नया कॉइन लॉन्च किया गया है उसको हम एयर ड्रॉप के रूप में सभी को प्रोवाइड करेंगे जिनके वॉलेट में कॉइन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस तो आपका हो जाता है क्लियर कि 27 मई से सभी को मिलेगा ये कॉइन, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और कॉइन स्विच की बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉइन स्विच की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे डीलिस्टेड भी कर दिया गया है और सेंड रिसीव भी सभी कॉइन्स का लगभग डिसेबल ही है। और अगर आप बाइनेंस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बाइनेंस ने क्या किया, पहले इसको डीलिस्टेड कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद इसको लिस्टेड कर दिया तो वहां पे तो बाई सेल हो रहा है। वहीं अगर आप बात करते हैं जो आपका कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन है वहां पे भी इसी तरीके का प्रोसेस हुआ है। वहां पे क्या किया गया, जिन लोगों ने पहले बाई किया था उन लोगों को टाइम दिया गया कि आप यहाँ से सेल कर दें, इसके बाद हम इसको डीलिस्टेड कर देंगे। वहां पे बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया। अब यहाँ पे फिर से 27 यानी 27 मई से लिस्टेड किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपके सामने स्क्रीनशॉट शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग, ठीक है। जो टेरा लूना कॉइन है और जो यहाँ पे आपका कॉइन डीसीएक्स एप्लीकेशन है उनके द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका कॉइन स्विच एप्लीकेशन है तो कॉइन स्विच पे क्या किया गया, इन्होंने तो इसको बिल्कुल ही यहाँ पे जो भी प्रोसेस था उसको खत्म ही कर दिया एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने क्या किया उसको डीलिस्टेड कर दिया। वहां पे आपको बोला गया कि आप इसको सेल कर दीजिए, उसके अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका पैसा टोटल यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 99% लोगों ने अभी तक जो भी कॉइन था वो सेल कर दिया है जो कॉइन स्विच यूजर्स हैं उन्होंने, ठीक है। अब किसी ने 50,000 का खरीदा, 2,000 में सेल किया, 1,000 में सेल किया, 50 रुपए में सेल किया, किसी ने 8,000 का खरीदा, 1 रुपए में सेल किया, 20 रुपए में सेल किया, ऐसे करके सभी ने यहाँ पे सेल कर दिया है और सभी को लॉस ही हुआ है। अब यहाँ पे नया कॉइन इनका आया है तो जिन लोगों के पास वॉलेट में पड़ा हुआ है तो उनको एयर ड्रॉप के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम चलते हैं जो कस्टमर केयर से हमारी कॉल हुई है उसमें उन्होंने क्या बताया है। वहां पे हमने कई क्वेश्चन उसके उनसे किए हैं तो उन्होंने उनका रिप्लाई दिया है। और क्या आप सभी को यहाँ पे एयर ड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। सपोर्टिव से बात कर रहा हूँ, नंबर सेंड करके जी जी कॉल करने को। जी 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 बताइए। हमारे कुछ क्वेश्चन थे लूना कॉइन को लेकर के। मान के चलिए अभी कॉइन स्विच एप्लीकेशन में लूना कॉइन की ट्रेडिंग बंद कर दी गई है तो क्या दोबारा से ट्रेडिंग शुरू की जाएगी? सर क्या है ना, वो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं या लिस्टिंग होगा या नहीं, लेकिन अगर स्टेबल हुआ तो मार्केट में और ग्लोबल एक्सचेंजेस में लिस्टिंग हुआ तो हमारा एप्लीकेशन में भी लिस्टिंग होता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। अगर लिस्टिंग हुआ तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपका बैलेंस है ना वो सब ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मान के चलिए बहुत सारे लोगों का कॉइन सेल कर दिया है और बहुत सारे लोगों का कॉइन पड़ा हुआ है इसमें, तो उसका क्या होगा? पोर्टफोलियो में रहता है, अगर फ्यूचर में अगर लिस्टिंग हुआ तो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी। और कॉइन स्विच एप्लीकेशन में क्या हम लूना कॉइन को सेंड रिसीव कर सकते हैं? जैसे अभी बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये रीलॉन्च हो रहा है, जैसे मान के चलिए लोगों ने बाई करके बाई करके रखा था तो उन लोगों को एयर ड्रॉप मिल रहा है, उसका दोबारा से जो लॉन्च हो रहा है कॉइन उसका एयर ड्रॉप मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को ये कॉइन मिलेगा? वही, लेकिन अभी क्रिप्टो डिसेबल हुआ है ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी रीलॉन्च हो रहा है लूना कॉइन तो जिन लोगों ने बाई करके रखा था तो उन लोगों को दूसरा कॉइन उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या हम लोगों को लूना कॉइन मिलेगा जो दूसरा कॉइन उन्होंने लॉन्च नहीं किया है? वैसा नहीं मिलता है, आपके पास कितना लूना कॉइन है उतना ही रहता है, आपको पोर्टफोलियो में उतना ही क्वांटिटी रहता है, ठीक है। वो तो वैसा दूसरा कॉइन सब नहीं मिलता है जो एयर ड्रॉप मिल।
जी हाँ, नया ये नया अपडेट है इसीलिए ड्रॉप सब नहीं मिलता है हमारा एप्लीकेशन। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। ठीक है ना, ठीक है सर, जानकारी सकते हैं इनसे। मैंने कई बार यहाँ पे ये कहा है कि क्या हमें यहाँ पे जो बहुत सारी एक्सचेंजेस पे कॉइन रीलॉन्च हुआ है तो वो एयरड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं नए कॉइन का, तो क्या हमें ये कॉइन प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये भी कंफ्यूजन में है क्योंकि इन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, ये हम आपको बताते चलें इसी के साथ। और जो भी होगा, इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है तो हम भी इसको लिस्टेड करेंगे, और मार्केट में अगर स्टेबल है कॉइन तो हम भी यहाँ पे लिस्टेड करेंगे, और जिन लोगों का पोर्टफोलियो में कॉइन पड़ा हुआ है वो लोग दोबारा से यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे इस कॉइन की। ठीक है, तो जिन लोगों ने सेल कर दिया उनका तो सेल हो गया, अगर हो सकता है कि इनका जो टीम है मेन टीम होता है ठीक है, तो वो अगर चाहेगा और इनको एयर ड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा तो मेरे हिसाब से सभी को एयर ड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने भी एप्लीकेशंस पे ये लिस्टेड है सभी को बताया गया है कि हम आपको ये कॉइन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिन यूजर्स के पास कॉइन है या था उन सभी को आप ये कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया है 5% 10% सभी को यहाँ पे कॉइन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कॉइन उस पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से हो कि ना भी प्रोवाइड किया जाए। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको न्यू और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, किसी अदर टॉपिक पे फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।